गुड मॉर्निंग एवरीवन, मीठी की दुनिया में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और ये मेरा ब्लॉग है मंडे का। सॉरी लेट डालने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा इसे डालने का। और मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई हूँ, मतलब 4:45 पर उठी थी और 5 बजे किचन में आके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये लोग ना रूम में अभी सो रहे हैं और बाहर की तरफ कूलर चल रहा है, तो मैं रूम में झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी। लेकिन मुझे लंच तैयार करना है, तो हमारे यहाँ मतलब हिंदू समाज में कहा जाता है कि बासी घर आंगन हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने किचन में लगा दी है और देखिए यहाँ कूलर लगा हुआ है और अंधेरा रो रहा है रूम में, तो मिस्टी को तो अभी नहीं उठाना है। और यहाँ उबल रही है मैक्रोनी। संडे में मिस्टी अपने लिए मैक्रोनी लेकर आई थी। वैसे मुझे पता है कि अनहेल्दी फूड है और बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ना माँ को ज़्यादा है कि झुकना पड़ जाता है बच्चों के आगे। मिस्टी ना कुछ भी ना खाकर जाती है और ना खाकर आती है, जैसे लंच लेकर जाती है उसे वैसे ही वापस ले आती है। तो कभी कभी हमें बच्चों की पसंद का भी दे देना चाहिए। मैं डेली तो नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ ये लगता है कि माँ को अपना बच्चा कुछ खाकर आए, चाहे वो 2 चम्मच खाए, लेकिन हाँ माँ को संतुष्टि हो जाती है कि उसकी पसंद का गया है तो शायद कुछ खा लेगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाऊँगी मैं, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के मैं ना पाउचेस ले आती हूँ, 1.5 और 2 रुपए के आते हैं, तो 10-10 उठा लाती हूँ इकट्ठे और इसमें वही ऐड करूँगी। मिस्टी इसी तरीके से खाना पसंद करती हैं, तो देखते हैं कि मिस्टी आज स्कूल में मैक्रोनी खाकर आती हैं नहीं। वैसे मुझे पता है कि ये वापस ही ले आएंगी, मिस्टी नहीं खाती हैं। मिस्टी को बस स्कूल में जाकर ये टेंशन रहती है कि मेरी मम्मा मुझे कब लेने आएगी, पता नहीं मेरा बच्चा कब सुधरेगा। इस मामले में बहुत अलग लड़की है, मतलब ज़्यादा बच्चों से इसे बोलना भी पसंद नहीं है। हाँ जिन्हें जानती है उनसे बोल लेगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि मिस्टी स्कूल में थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाओ बेटा, बात किया करो, तो मिस्टी करती नहीं है। कहती है सामने वाला मेरे से करेगा मम्मा, मैं तभी तो बोलूँगी। तो बच्चों की सबके अलग अलग माइंड होते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी ना टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ मैं और मुझे तो इसी तरीके से पसंद आती है। तो देखिए लोग किस तरीके से आया है इसका। और मैं जीरे का यूज़ नहीं करती, यहाँ पर राई डालती हूँ। और मिस्टी को देखते हैं अब, तो यहाँ मिस्टी खा रही है मैक्रोनी। मिस्टी को मैं बनाना खिला रही थी तो बनाना तो हो गया कैंसिल, बोली मैक्रोनी लाओ मम्मा। तो देखते हैं थोड़ी सी खा लेती हैं। और लंच मिस्टी का पैक कर दिया है, बॉटल में पानी भर दिया है। और मिस्टी को मैंने पहले से ही नहला दिया था, जब मैक्रोनी बन गई थी ना तो मैंने मिस्टी को नहलाया था सबसे पहले। और मिस्टी ने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट, तो मैं कर देती हूँ इन्हें रेडी। पहले तो मैं ना किचन में जब भी जाती थी तो नहा धो के ही जाती थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि गर्मी का बहुत बुरा हाल हो रहा है, मतलब गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कमी नहीं हो रही है, आए दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं अब नहीं नहा पाती हूँ, सोचती हूँ कि पहले ब्रेकफास्ट तो बना ही दूँ, लंच तो फिर भी ये है कि नहा धोकर बना लूँगी, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट की कोशिश करती हूँ कि बिना नहाए बना लूँ, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो जाता है। नहा धोकर आओ फिर से वही पसीना पसीना हो जाओ। और मेरा फ्लोर ऊपर का है तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और मिस्टी हो गई है रेडी, तो मिस्टी के थोड़ा सा पाउडर लगा देती हूँ, लेकिन ना पाउडर में हल्का सा टॉवल से पोंछ दूँगी, क्योंकि पसीने से ना जम जाता है तो वाइट वाइट दिखाई देने लगता है। और मिस्टी को बहुत गुस्सा आता है जब मैं इनके पाउडर लगाती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा ढंग से जाओ, स्कूल जा रहे हो आखिर आप। और थोड़ा सा परफ्यूम लगा रही थी तो कह रही है मम्मा मैडम कहेंगे कि स्कूल में कहाँ से ये परफ्यूम की खुशबू आ रही है। मैंने कहा बेटा पसीने की स्मेल आती है इसलिए लगा रही हूँ। आज मैं स्कूल जाऊंगा और सब बच्चे जो भी गली के हैं सब जाएंगे। गली मोहल्ले के सब बच्चे जाएंगे। तुम तो अपने स्कूल जाओगे ना, है ना? आते तो ट्यूशन जाएंगे, आते तो स्कूल जाएंगे, तो सभी स्कूल जाएंगे, बाद में ट्यूशन जाएंगे। तो मिस्टी हो गई है यहाँ पर रेडी और निकलने वाली है 10 से 15 मिनट में। अभी नीचे अपने फ्रेंड को देखने जा रही है कि वो रेडी हुए हैं या नहीं। लेने में आऊंगी मिस्टी आपको, ठीक है? और मिस्टी अपने पापा के साथ जाएंगी, तो वो नहा रहे हैं और मिस्टी नीचे गई हैं, तो मैं जब तक ना बेड शीट चेंज कर देती हूँ। संडे में मैंने वॉश नहीं करी थी तो आज मंडे है, तो मैंने सोचा चेंज कर ही देती हूँ इसे। और कॉटन की बेडशीट अच्छी लगती हैं गर्मियों में। जब ये मिस्टी स्कूल चली जाएंगी ना तो मैं झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। और मिस्टी स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैं नहा धो ली थी, झाड़ू पोछा हो गया था। और मुझे बनानी है आज लंच में कढ़ी, तो कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं नहाने से पहले ना बेसन का घोल बनाकर रख गई थी, तो ये अच्छे से सेट हो गया। और आप देख सकते हैं कि पकौड़ियों में ना झाग मतलब छेद छेद से दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहचान होती है कि हमारी पकौड़ियाँ जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो बेसन अच्छे से फूल गया था यहाँ पर और सभी पकौड़े में ना मेरे हल्के हल्के छेद से हो गए, तो बहुत मुलायम पकौड़े बने हैं, ये रुई जैसे सॉफ्ट होंगे। अब पकौड़े बनकर हो गए तैयार, तो मैं जार में ना मैंने दही डाला था और दही वही था जो मैंने मलाई जलाई थी ना उसका बचा था, तो उसी की कढ़ी बना रही हूँ। तो उसी में ही मैंने जार में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी
और मिर्च ऐड कर दी थी। उसके बाद ना मैंने मिक्सी में चला दिया था। इससे क्या होता है ना कि बेसन में गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, अच्छे से मिक्स हो जाता है दही और बेसन आपस में। तो मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो मिक्सी के जार में ही चला देती हूँ। कढ़ी बनाने का मुझे लगता है तरीका सबका सेम ही होता है। वैसे मैं बिना प्याज की बना लेती हूँ, लेकिन आज प्याज वाली बना रही हूँ। तो राई डाली है, कड़ी पत्ता है, सूखी मिर्च है, मेथी है, थोड़ा सा जीरा है और हींग है अच्छे से भरकर। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गई है, इसमें हल्की सी ना कश्मीरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। कश्मीरी मिर्च से हल्का सा कलर आ जाएगा। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से प्याज भून गई है। अब ये जो घोल बना के तैयार करा था इसे ऐड कर दूंगी। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा ना तो नमक मैं उसी के बाद ऐड करूंगी, क्योंकि फिर फटने का डर रहता है। बराबर चलाती रहूंगी जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और उबाल आ गया है, मैं ना इसमें नमक ऐड कर दूंगी और फिर मैं जाऊँगी रूम में, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो सुबह से ये टाइम हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है कि अपना फेस तो सुधार ही लूँ। बाल भी नहीं काट पाती हूँ गर्मी के मारे, बस कुछ भी मन नहीं करता है। तो कढ़ी पकेगी और मैं यहाँ अपने थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। तो बस हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी और पॉन्ड्स का पाउडर लगाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कर देना, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। और प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और जो न्यू है ना वो सब्सक्राइब कर देना। हेयर काटूंगी मैं अपने बाहर जाकर। तो मैं हो गई हूँ तैयार। तैयार क्या है, बाल काटने हैं। और आप लोगों ने देखा कि पॉन्ड्स का पाउडर लगाया और लिपस्टिक। तो बस मैं इतना ही करती हूँ गर्मियों में, घर में जाड़े हों या गर्मी। गर्मियों में मतलब इसी तरीके से रहता है। गर्मियों में तो मेकअप करो तो वो बहकर निकलना ही है, पानी बन जाना है। गर्मी बहुत हो रही है, धूप इतनी नहीं है लेकिन उमस ज़्यादा है। और मिस्टी के पापा मिस्टी को गए हैं स्कूल लेने के लिए, मैं नहीं गई, मुझे गर्मी लग रही थी, घर पर थे। मैंने हस्बैंड होकर ना जब घर पर हूं ना तो फायदा अच्छे से उठाना चाहिए, वरना हस्बैंड और मेरे हस्बैंड जो है ना, अगर मैं उनसे कह दूं कि नहीं मैं ले आऊंगी आप रहने दो, तो तुरंत कह देंगे हाँ आरती तू चली जा ले आ। लेकिन भाई जब घर पर है तो फायदा क्यों ना उठाऊं। इसीलिए मैंने उन्हें भेजा, मैंने कि जब नहीं होगी तो मेरी ड्यूटी है लाना और ले जाने की। तो मिस्टी को लाना और ले जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि ना मिस्टी के स्कूल में कोई भी कन्वेंस नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। अपने ही पास से हमें ऑटो करना पड़ेगा। और लड़की है, लड़की हो या लड़का, बच्चा छोटा है तो ऑटो से अकेले भेजना भी ठीक नहीं है। जहाँ चार पांच बच्चे हों उसके साथ तो फिर भी थोड़ा सा चल जाता है, क्योंकि आजकल किसी पे भी विश्वास नहीं करा जा सकता। इसलिए मिस्टी की जिम्मेदारी अभी हम लोगों ने उठा रखी है। अगर दो चार बच्चे और मिल जाएंगे ना तो देखते हैं रिक्शा लगवा देंगे। तो जब तक तो हमें ही करना है। और मिस्टी स्कूल से आई जाएंगी थोड़ी बहुत देर में, तो जब तक बन रही है कढ़ी और मैं भिगो देती हूँ चावल, क्योंकि कढ़ी चावल ही खाएंगे। रोटी खाने का तो गर्मियों में मन ही नहीं करता, जाड़ों में तो बस चावल ही अच्छे लगते हैं। मतलब एक टाइम रोटी हो और एक टाइम चावल हो तो चल जाता है। और चावल हमारे घर में ज्यादा ही पसंद है, मुझे लगता है चावल तो सभी के घर में बहुत अच्छे से खाए जाते हैं। तो चलिए मैं भिगो देती हूँ चावल, क्योंकि मिस्टी आ जाएगी, फिर मिस्टी को नहाना भी है। क्योंकि गर्मी में आएगी तो थोड़ी देर बैठा दूंगी पहले उसे 20-25 मिनट, उसके बाद वो नहाएगी दोबारा से। तो मिलती हूँ अभी आप लोगों से। और मिस्टी का खिंचवा रही मैं मार्केट में आकर फोटो, क्योंकि मिस्टी को ना आई कार्ड मिलना है और फोटो उसमें लगना है तो मैम को देना है। और जब मैं वहाँ से आई तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी मेरी कितने अच्छे से पक गई और कितना अच्छा कलर आया है। तो करीब ये 1.5 घंटा पकी है, तो कढ़ी बन गई अच्छी सी टेस्टी सी। आ जाइए आप लोग भी। और ब्लॉग का कर देती हूँ मैं यहाँ पर ये एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।